बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 1, एलिमेंट ऑफ सी। हम चैप्टर नंबर 9 स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स के हमने डेटा टाइप्स देखे, हमने कि कौन कौन तरीके से होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। नंबर 1 इज़ बिल्ट इन एंड सेकेंड 1 इज़ यूज़र डिफाइंड। आज हम बिल्ट इन की ही सब कुछ डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, मज़ीद उन्हें फर्दर डेटा टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर में। द फर्स्ट डेटा टाइप फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स नंबर्स के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो हमारे पास कौन कौन तरह की होती हैं? हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं। सबसे पहले जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं दैट इज़ अ इंट, आई एन टी, इंट। ठीक है, ये हमारे पास की वर्ड भी कहलाता है, दैट इज़ इंट। इंट इज़ अ की वर्ड। की वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसको हम प्रोग्राम में राइट करेंगे, जिसके कुछ मीनिंग्स होते हैं आपकी सी लैंग्वेज में। अगर हम इस इंट को देखें तो हमारे पास जो इंट होती है ये हमेशा स्टोर क्या करवाती है? इंटीजर वैल्यू। और जो मेमोरी में ये जगह रिजर्व करती है दैट इज़ 2 bytes। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है यानी कि हम किस रेंज में हम इसको वैल्यूज़ दे सकते हैं, ये आपके पास रेंज है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि int इज़ अ डेटा टाइप विच इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू एंड इट रिजर्व हाउ मेनी bytes इन मेमोरी, 2 bytes, एंड इट्स रेंज इज़ फ्रॉम -3 to 7 6 8 टू 3 to 7 6 7। ठीक है, ये आपके पास int की टाइप हो गई। सेकेंड, आपके पास जो डेटा टाइप है इंटीजर के लिए दैट इज़ शॉर्ट int। शॉर्ट int और int सेम आपके पास होते हैं। ठीक है, अगर हमें इंट करना हो तो हम सिंपल इंट भी दे सकते हैं, और अगर हमें शॉर्ट इंट देना हो तो हम शॉर्ट इंट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट में क्या होता है कि हमारे पास इंटीजर की रेंज क्या हो जाती है? हाईएस्ट हो जाती है। ज़्यादा अगर कोई बड़ी वैल्यू है हमारे पास, लार्जेस्ट कोई वैल्यू है, तो हम उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं डेटा टाइप? हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग इंट। यह आपके पेज नंबर 150 पर एक टेबल बना हुआ है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो एरिया है जितनी वो रिजर्व कर रही है हमारी मेमोरी में, और ये हमारे पास है अदर्स नेम। अदर्स नेम क्या है इनके? कि हमारे पास ये तो वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, और ये उसका आपके पास क्या है? फुल नेम है आपके पास, और ये आपके पास रेंज आ जाएगी। दैट इज़ अ रेंज कि आपके पास हम उसमें कितने नंबर, कौन सी रेंज में नंबर हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इंट का है, दैट इज़ अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट मीन्स कि जिसमें हम पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहे हों, दैट इज़ शॉर्ट शॉर्ट इंट। अनसाइंड शॉर्ट इंट मीन्स पॉजिटिव नंबर। दैट इज़ लॉन्ग इंट यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू, जो लार्जेस्ट ग्रेटर वैल्यू होगी इंट से वो हम यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ अनसाइंड लॉन्ग यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लॉन्ग इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपने MCQs के लिए इसको रेडी करना है। नेक्स्ट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट। व्हाट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट? फ्लोटिंग पॉइंट्स आर द नंबर्स विच हैव फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा होगा वो हम कौन से पॉइंट नंबर्स कहते हैं? दैट इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट। ये भी आपके पास नंबर्स में होते हैं। ठीक है, द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इज़ आल्सो कॉल्ड रियल डेटा टाइप। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ आल्सो नोन एज रियल डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 0.1, 0.002, -3.1, फॉर। अब देखिए ईच एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा कि डेसिमल पार्ट इज़ शोइंग। ठीक है, तो जो फ्लोट आपके पास होती है डेटा टाइप, इसमें भी आपके पास 2 categories होती हैं। एक आपके पास होती है सिंगल यानी कि डबल, और एक आपके पास होती है लॉन्ग डबल। फ्लोट में सिंगल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कितने डिजिट्स आ सकते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 6 digits, और ये आपके पास आगे उसकी रेंज दी हुई है, और ये आपके पास मेमोरी में कितने बाइट रिक्वायर्ड होते हैं? रिक्वायर्ड 4 bytes। एंड डबल में हमारे पास कितने रिक्वायर्ड होते हैं? 8 bytes, और ये हमारे पास इसकी कितने हैं? हमारे पास स्क्वायर डिजिट्स कितने होते हैं? 15 होते हैं, और ये आगे इसकी रेंज दी हुई है। दैट इज़ अ डबल। डबल मीन्स कि आपके पास मेमोरी में 8 bytes रिजर्व करती है, और स्क्वायर में आपके पास इसके डिजिट्स कितने होते हैं? 19, और ये आपके पास रेंज है। ये आप लोगों ने रिमेंबर याद रखना है फॉर योर MCQs। ये हमारे पास बोर्ड में 2-3 times इसका MCQs भी आ चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज़ चार, CHAR कैरेक्टर, यानी कि फुल फॉर्म इज़ अ कैरेक्टर डेटा टाइप। चार मीन्स इट्स यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। चार दैट इज़ अ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि सिंगल कैरेक्टर, जैसे A B C, 1 2 3। बट 1 2 3 हमेशा हमें कैसे पता चलेगा इट इज़ अ चार?
क्योंकि ये हमारे पास मेमोरी में वन बाइट रिजर्व करता है, और इसको जब हम राइट करते हैं तो हम सिंगल कोटेशन के साथ करते हैं, यानी कि अगर मैं 9 भी लिखती हूँ तो अगर ये सिंगल कोटेशन में चली गई वैल्यू तो ये हमारे पास कौन सी डेटा टाइप कहलाएगी, ये 4 की डेटा टाइप कहलाएगी। तो हम जो भी चीज़ सिंगल करेक्टर में हम जो भी करेक्टर राइट कर रहे होंगे वो हमेशा 6 में लिखेंगे, हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे, और ये मेमोरी में कितनी जगह रिजर्व कर रही होगी, सिंगल करेक्टर। अब हमारे पास एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज़ कि जब वो करेक्टर स्टोर्ड होगा मेमोरी में तो वो खुद करेक्टर स्टोर्ड नहीं होगा, बल्कि उसका जो ASCII कोड होगा, ASCII कोड होगा, वो स्टोर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर वैल्यू है ए, आपको पता है स्मॉल ए आपके पास होता है, उसकी आपके पास क्या होती है, हमारे पास ASCII कोड क्या होता है स्मॉल ए का। अगर मैं सिंगल कोटेशन में राइट करती हूँ ए, तो ए अगर मैं इस तरह राइट करती हूँ ए, ठीक है, तो ये ए के अंदर ए नहीं स्टोर्ड करेगा, बल्कि उस वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट राइट करके दिखाती हूँ कि एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ सी एच, ठीक है, उस सी एच के अंदर मैं स्टोर्ड करवा देती हूँ इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल बी। अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास डेटा टाइप यानी कि करेक्टर का आपके पास वेरिएबल कहलाएगा, और ये उसकी स्टोर्ड वैल्यू होगी। अब ये सी एच में बी नहीं स्टोर करेगा, बल्कि बी की ASCII वैल्यू ASCII यानी कि ASCII कोड प्रिंट करते, और बी का ASCII कोड क्या होता है 66, यानी कि अब हमारे पास जो सी एच जो वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 66 स्टोर्ड है, ठीक है। अब हम इसको एक प्रोग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास, इसको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेती हूँ, कि जो करेक्टर होता है सिंगल करेक्टर वो 1 बाइट रिजर्व करता है मेमोरी में, और वो स्टोर्ड करता है, अगर हम करेक्टर सी एच आर डेटा टाइप की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये सिंगल करेक्टर स्टोर्ड करता है, बल्कि वो करेक्टर नहीं स्टोर्ड करता, बल्कि उसका ASCII इक्वलेंट कोड उसके अंदर स्टोर्ड करता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे, दैट इज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। नेक्स्ट में हम लिखेंगे void main void, ये तो हमारे पास प्रोग्राम का कंपलसरी पार्ट है ना, जो हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट डेलिमीटर यूज़ कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है char, ये हमारे पास डेटा टाइप है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे तो हम उसकी डेटा टाइप पहले लिखेंगे कि ये हमारे पास एक करेक्टर हमारे पास है वेरिएबल यूज़ कर। अब वो करेक्टर वेरिएबल कौन कौन से हैं, 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं, ch1 ch2 sum, यानी कि ये 3 वेरिएबल हैं ch1 ch2 एंड sum, ये तीनों वेरिएबल हैं, उसकी डेटा टाइप क्या है char यानी कि करेक्टर डेटा टाइप है। अब हमने ch1 में स्टोर करवा दिया 2, ch2 में हमने स्टोर करवा दिया 6। अब आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की मेमोरी में क्या ch1 में 2 स्टोर होगा, नो, बल्कि 2 का जो इक्वलेंट ASCII कोड होगा, आप मुझे बताएं 2 का ASCII कोड इक्वलेंट क्या होता है, 2 का होता है 50, तो ये ch1 में क्या स्टोर कर देगा 50, और 6 का क्या होता है आपके पास, 6 का इक्वलेंट ASCII कोड आपके पास होता है 54, ठीक है। तो अब ch1 में क्या स्टोर हो गया, ch1 में स्टोर हो गया आपके पास 50, और ch2 में क्या स्टोर हो गया आपके पास 54 आपके पास स्टोर हो गया। अब हमने कर दिया सम इक्वल टू ch1 प्लस ch2। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ch1 और ch2 में ये क्या स्टोर करेगा, ये क्या 2 प्लस 6 करेगा, नो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ch1 में 2 के बजाय उस 2 का इक्वलेंट ASCII कोड प्रिंट करेगा, जो कि क्या था 50 था, और ch2 का क्या था हमारे पास, ch2 का हमारे पास था 54, तो सम में वो 50 प्लस 54 को प्लस करेगा, 50 प्लस 54 को प्लस करेगा, और नीचे प्रिंट में हम दे देंगे सम को स्टोर करवाएंगे तो दोनों को प्लस करके हमारे पास देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, 104 आ रहा है, गॉट इट। अब हमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी करेक्टर स्टोर करवाते हैं तो वो उन करेक्टर की बजाय उसका ASCII कोड इक्वलेंट स्टोर करता है, ओके ओके, और हमें वो अनसाइंड और साइंड वैल्यू भी आपके पास होती है वो करेक्टर में स्टोर कर सकता है, ठीक है।
जो अगर हम सिंगल करेक्टर की बात करते हैं नंबरिंग रेंज में, तो वो स्टोर करवाता है -128 to 127। और अगर हम अनसाइंड की बात करते हैं तो ये स्टोर करवाता है 0 to 255। ठीक है, और ये अपने अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर और पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, वो भी आपके पास पॉजिटिव नंबर के साथ स्टोर करवा सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद थोड़े से प्रोग्राम राइट करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम सी लैंग्वेज में राइट किया जाता है। आज की क्लास में आपने सिर्फ ये थोड़ी सी बातें आपने अपने उसके लिए याद रखने हैं, MCQs के लिए, कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर के लिए कौन कौन से होते हैं, फ्लोट के लिए कौन कौन से होते हैं, और करेक्टर के लिए कौन कौन से होते हैं, और उनके कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। इंट के लिए कौन सा कीवर्ड होता है, इंट के लिए हमारे पास होता है इंट, आपके पास देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा टेबल में, ये आपके पास है इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है। और फ्लोट के लिए कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, फ्लोट, FLOT, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। और उसके बाद करेक्टर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, CHAR, ठीक है। ये आपने कीवर्ड्स याद रखने हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं जब हम कोई भी जिस तरह की भी डेटा टाइप डिक्लेयर करवाएंगे तो हमने उसके साथ उसका डेटा टाइप देना होगा। कोई भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे उसकी हमें फ़र्स्ट डेटा टाइप ही डिस्प्ले करवानी पड़ेगी, अगर हम उसको नहीं डिक्लेयर करवाएंगे तो वो हमारे पास उसमें एरर शो करेगा। इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट लेक्चर भी हम और भी मज़ीद इसके बारे में सी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। टिल दैट फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।